प्रार्थना को सुनिएगा। तूने दिल से निभाया तो क्या बात है, वाह भाई वाह, तेरे साथ ये चल देगा, तेरे जीवन का ये गुरुवर इतिहास बदल देगा। और मुझे पता है कल को आज से बेहतर मेरे गुरुवर बनाते हैं। और एक पंक्ति बोलना मेरे साथ, जब कोई नहीं आता गुरुदेव, अगर आते हैं तो ईमानदारी से बोलो, जब कोई नहीं गुरुदेव, जब कोई नहीं आता गुरुदेव आते हैं, और मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। समय की मर्यादा, क्योंकि अधिकतर मांगलिक का मुझे पूरा नॉलेज दिया है गुरु ने कि समय की एक मर्यादा है। सबसे पहले हमारी लीजिए, मैं निवेदन करता हूं, अभी हमारे बीच में और एक संगीतकार जो अहमदाबाद से आए, जैसे गुरु आदित्य हुआ है जी, ऐसे हमारे आशीष भाई जो अहमदाबाद से बजा रहे गुरु वंदन, और एक बहुत ही गुरुदेव को एक पुष्प समर्पित करें अपने भावों से, वारे वारे कि जहां बसेरा आपका वो ज्ञान तीर्थ कहलाता है, जिसके माते हाथ फिरा दे वो पावन बन जाता है। श्रद्धा निष्ठा और समर्पण से गुरु वंदन हम करते हैं, और परम पूज्य गुरु वंदन गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन करते हैं। आशीष भाई आइए, बिल्कुल समय की मर्यादा को समझते हुए सीधे ही गुरु वंदन के साथ में आज के इस मंगलमय दिवस की शुरुआत और शुभारंभ आगाज करते हैं कि घिस घिस कर सुगंध देता है चंदन और तप तप कर सोना बनता है कुंदन। घिस घिस कर सुगंध देता है चंदन, तप तप कर सोना बनता है कुंदन। चारित्र से अपने जीवन को बनाया है उपवन, ऐसे विश्व मंगलकारी गुरुदेव विश्व रत्न सागर सुरसर जी गुरुदेव को हम सबका कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। तो आइए संगीतमय जितने भी पीछे पुण्यशाली बैठे हैं चेयर पर, मेरा आग्रह है यदि खड़े हो सकते तो यथाशक्ति बिल्कुल खड़े होकर के गुरु वंदन करेंगे। गुरु जी बड़े ज्ञानी सुनाते वीर वाणी, विराज रहे पाठ पर वंदन करू इच्छा भी के पाठ से, इच्छा में हमार सुनो वंदियों जावनी जाए निश्चय आए मथे न वंदावी। गुरु जी मेरे आए सभी के मन भाए, किस किस के मन भाए मेरे गुरुदेव, जरा दोनों हाथ उड़ा करके तालियों के साथ। गुरु जी मेरे आए सभी के मन भाए, विराज रहे पाठ पर वंदन करूं इच्छा भी के पाठ से, इच्छा में हमार सुनो वंदियों जावनी जाए निश्चय आए मथे न वंदावी। नहीं कोई राग नहीं कोई द्वेष रहे समय भाव में, साता पूछूं मैं इच्छकार के पाठ से, इच्छकार सुहदेव से सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वोच जी। सारे मिलकर के बोलेंगे स्वामी साता छे जी भात पानी नो लाभ देसो जी, अगर सुख पाना हो शुभ गति जाना तो वंदन करू भाव से, वंदन करूं इच्छा भी के पाठ से, इच्छा भी हमार सुनो वंदियों जवनी जाए निश्चय आए मथे न वंदावी। कृष्ण महाराजा ने वंदन किए थे, कितने वंदन किए थे कृष्ण महाराजा ने, हाँ जी 18,000, क्या बात है, कृष्ण महाराजा ने 18,000 वंदन किए थे, और हमें एक वंदन बड़े भाव से करना है। कृष्ण महाराजा ने वंदन किए थे 18,000 बार, वंदन करूं मैं उत्कृष्ट भाव से, इच्छा कर्ण संधि सबगन अभूतियों में अभियंतर देव सियम खामे, इच्छा खामे में देव सियम जमकिन
जी अपत्यम पर्वत्यम भक्ति पाणी विनयी वैया वची अलावी सलावी उचासणी समासणी अंतरवासाए उरी वासाए जमकिन जी मजमण परिणाम सुमम्मा भैरम्मा भूपे जानम अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुग्गेडम इच्छामि मा सुनो बंदियो जावणी जाए दिसहिया मथे वंदामि। जन जन की आस्था के केंद्र शांत प्रशांत प्रसम रस पयो निधि विश्व मंगलकारी गुरुदेव विश्व रत्न सागर सुरचर जी गुरुदेव सुख सातामा चो समस्त मुनि मंडल सुख सातामा समस्त साध्वी जी भगवान सुख सातामा। इच्छा भी खमा सुनो वंदियो जवणी जाए निसी आए मथीन वंदामे इच्छा गाना संधि सुन वायना संधि सो इच्छा विचाम खमा सुनो वंदियो जवणी जाए निसी आए मथीन वंदामे इच्छा गाना संधि सुन वायना लेशु इच्छा विचाम खमा सुनो वंदियो जवणी जाए निसी आए मथीन वंदामे इच्छकारी भगवंती पसाय करी वायना प्रसाद करावे सो जी। आइए सभी यथा स्थान विराज जाइए बिल्कुल एकदम शांति पूर्वक। गुरुदेव की वाणी श्रवण करने से पहले आइए लाला भैया आपको तो गुरुदेव का आज जबरदस्त आशीर्वाद मिल गया है, लेकिन आज मैं गुरुदेव का यहां पर आशीर्वाद लेने के लिए संगीतकार बन के नहीं बिल्कुल भक्त बनकर के आया हूं। और मैं परसों रात को गुरुदेव के खाली वंदन करने आया था और मुझे पता चला कि आज महामांगलिक है, तो मैंने कहा गुरुदेव ऐसा अवसर जो है बिल्कुल मैं महामांगलिक में एक हाजिरी लगा करके ही जाऊंगा। तो मिलकर के जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हैं जरा साथ दीजिएगा मेरा कि मैंने गुरुदेव में क्या देखा। सुनिएगा एक एक शब्द को। दीवाने आपके चरणों में शीश झुकाते हैं कि गुरुदेव दीवाने आपके चरणों में शीश झुकाते हैं तुम्हारे रूप में गुरुदेव नवरत्न नजर आते हैं। जिन जिनको बात सच्ची लगी है जरा तालियों से आशीर्वाद देना कि ढूंढते रहते हैं आज कल हम आपके दर्शनों के बहाने वो ढूंढते रहते हैं आज कल हम आपके दर्शनों के बहाने कैसा जादू जादू हाँ कैसा जादू कि कैसा जादू जादू हाँ कैसा जादू कि कैसा जादू किया गुरुवर तुमने हो गए हम तुम्हारे दीवाने कि कैसा जादू किया गुरुवर तुमने हो गए हम तुम्हारे दीवाने। ये गीत हकीकत कहूं तो समय का बड़ा अभाव है और ये गीत बैठने वाला नहीं है। जो जो गुरुदेव के दीवाने भक्त एक बार जरा खड़े होकर के हाजिरी लगानी है। ये पारस चैनल पर 162 देशों में आपको देखा जाएगा और लोग कहेंगे कि आहा भक्त हो तो ऐसे। एक बार सारे खड़े होकर के कि ढूंढते रहते हैं आज कल हम आपके दर्शनों के बहाने वो ढूंढते रहते हैं आज कल हम वो आपके दर्शनों के बहाने कैसा जादू जादू कैसा जादू कि कैसा जादू जादू हो कैसा जादू हो कैसा जादू किया गुरुवर तुमने हो गए हम तुम्हारे दीवाने कि कैसा जादू किया गुरुवर तुमने हो गए हम तुम्हारे दीवाने कि दीवाने 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 कैसा जादू किया गुरुवर तुमने हो गए हम तुम्हारे दीवाने कैसा जादू किया गुरुवर तुमने हो गए हम तुम्हारे दीवाने। जरा दोनों हाथ उड़ा करके तालियों के साथ
गुरुदेव कैसे दयालु है, कैसे कृपालु गुरुदेव है कि गुरुदेव वो कभी गलती जो हो जाए हमसे मुस्कुरा के गुरु माफी करी दे हो, कि कभी गलती जो हो जाए हमसे मुस्कुरा के गुरु माफी करी दे हो, कि अब ये जाना कि क्यों भक्ति सारे तुम्हें वात्सल्य वारी भी कहते, अब ये जाना कि क्यों भक्ति सारे तुम्हें वात्सल्य वारी भी कहते हो, बड़ा वात्सल्य देते हो सभी को हे भक्ति मूर्ख हो चाहे सयाने, वो बड़ा वात्सल्य देते हो सभी को हो भक्ति मूर्ख हो चाहे सयाने। आप सोचोगे कि यार आशीष भाई हाथ खड़ा करने के लिए क्यों कहते हैं, इस दरबार में यदि हाथ खड़े कर दोगे, सुन लो भाई साहब, ओ काका जी जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए, लेकिन एक बार हाथ खड़ा क्यों करना है, जिसने मेरे गुरु के दरबार में हाथ खड़ा कर दिया उसे धंधे में कभी हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा तो उठाइए दोनों हाथ, कि कैसा जादू जादू हा कैसा जादू, कि कैसा जादू जादू हा कैसा जादू, हो कैसा जादू किया गुरुवर तुमने, हो गई हम तुम्हारे दीवानी, जादू किया गुरुवर तुमने, हो गए हम तुम्हारे दीवाने, दीवाने 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 दीवाने। एक गुरुदेव की जितनी महिमा गाऊं उतनी कम है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे गुरुवर ही सहार। इस गीत को इसलिए मेरे साथ में गाना है, जो जो दिल से मानते हैं कि गुरु के बिना हमारा जीवन शुरू नहीं है, ताली नहीं बजाओगे तो चलेगा, लेकिन एक लाइन मिलकर के सभी मेरे साथ में गाना और कहना, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे गुरुवर ही सहारा है यही तो पालनहारा है, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे गुरुवर ही सहारा है, ले गुरु का नाम। जरा मीठी मीठी तालियों के साथ दोनों हाथ उठा करके सीधे सीधे, यदि गुरुदेव मेरे माथे पे दोनों हाथ रखे तो समझ लेना आपको भी आशीर्वाद मिल गया है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बोलिए नवरत्न सागर सुरसुर जी गुरुदेव की, बोलिए विश्व रत्न सागर सुरसुर जी गुरुदेव। पहली बार इस गोरेगांव की धन्य धरा और वो भी चिंतामणि जैन संघ में यहाँ पर महामांगलिक फरमा रहे हैं। आप सभी को पता ही होगा गुरुदेव का महामांगलिक एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व होता है जिसमें सब मुद्राएं आती हैं। एक जहां तक नॉलेज है मुझे, आप अगर 7 महामांगलिक भर लो तो निश्चित ही आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है, कोई भी दुख होता है तो उसका निवारण होता 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 ही है, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। और ऐसे गुरुदेव जो शांत सरल स्वभावी के परम पूजने गुरुदेव, जिन शासन के महानायक, सूर्य मंत्र आराधक, एक ऐसी शख्सियत है जिनके संपर्क में आने वाला हर कोई व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। गुरुदेव का व्यक्तित्व और कृतित्व इतना विराट और व्यापक है कि इनके दर्शन मात्र से नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है। व्याख्यान का क्षेत्र हो, विहार का क्षेत्र हो, चातुर्मास का क्षेत्र हो, तपस्या का क्षेत्र हो, गुरुदेव के हर कार्य से नई प्रेरणा, नए आत्मसंचार का जागृत होता है। परम पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री नवरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की पाठ के परंपरा के अनुसार आप भी महामांगलिक को शोभायमान कर रहे हैं और ये गुरुदेव की खूबी है कि इसलिए भक्त दौड़े दौड़े आते हैं। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो मानवता के पथ पर खड़ा होता है, जो मानवता के पथ पर खड़ा होता है, जो सेवा के मोतियों से जड़ा होता है, बहती है जिनके हृदय में भावना की ज्योति, ऐसा इंसान देवता से भी बड़ा होता है।
देवता से भी बड़ा होता है। और वह सचमुच में आप सभी को पता ही है, गुरेगांव में गुरुदेव का ये चातुर्मास का पदार्पण हुआ है और एक से बढ़कर एक अद्भुत प्रसंग यहाँ पर होने जा रहा है। और रविवार को बहुत ही बड़ा अद्भुत आयोजन, जैनम जयति शासनाम, परम पूजनीय गुरुदेव यशो विजय जी गुरुदेव के साथ में, भद्रिक आश्रम के साथ में गुरुदेव का उस साथ में इस जैनम जयति शासनाम का शिविर का, क्योंकि मुझे जहां तक पता है यशो विजय जी बहुत कम जगह पे जाते हैं, लेकिन मैंने गुरुदेव से सुबह ही पूछा तो गुरुदेव ने कहा कि विश्वरत्न सागर जी अगर आपका शिविर है तो मैं आऊंगा। ये कितनी बड़ी बात है, इतने बड़े महात्मा उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भाईंदर में भी उनका पदार्पण हुआ, लगभग 350 साधु साधवियों के गज समुदाय के साथ में भाईंदर पधारे थे, और अभी गोरेगांव में जिनका चातुर्मास भी चल रहा है और इस शिविर में भी गुरुदेव को अपनी उपस्थिति अपना आशीर्वाद देने के लिए यशो विजय जी यहाँ पे पधार रहे हैं, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। तो बहुत जबरदस्त शिविर जैनम जयति शासनम 31 तारीख को संडे को है, उस शिविर में भी आप जरूर जरूर पधारे लीजिए। समय की अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। चमत्कारिक आदि व्याधि और उपाधि को नाश करने वाली गोरेगांव महानगर के अंदर और इस पल्लाई टावर के अंदर आज बड़ा शुभ अवसर पुष्य नक्षत्र और गुरु अमृत सिद्धि योग का आज यहाँ पर सुबह योग हुआ है, और उस अमृत सिद्धि योग के अंदर हमारे पूज्यपाद आचार्य भगवंत गुरु नवरत्न कृपा प्राप्त विश्वरत्न सागर श्री स्वर्गीय महाराजा के मुखारविंद से आज ये मंत्रों की गंगा बहने वाली है। इस मंत्रों की गंगा के अंदर हमें पवित्र होना है बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ। आइए इस महामंगलकारी महांग मांगलिक के पूर्व में पूज्य गुरुदेव श्री कुछ अपने अमृतमय वचन हम तक पहुंचा रहे हैं। जितने लोग बातें कर रहे हैं प्लीज करके अपनी बातों को विराम दीजिए। ओम रीम फ्रीम क्लीम एम अरम वम मम हम सम तम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम डम डम मिम मिम क्षिम क्षिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय 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 नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते ओम ओम रीम रीम क्रोम क्रोम ममा ममा पापम खंडय खंडय पापम खंडय खंडय हन 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 दह 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 पच 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 पाचय 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 सिद्धिम कुरु कुरु सिद्धिम कुरु कुरु ओम नमो राम ओम नमो राम डम डम मीम मीम स्वीम स्वीम हम हम फम सम डम डम वम वम वा वा पा वा हा हा छ छ छम छम छिम छिम छुम छुम छिम छिम छुम छुम छ छ छ छ ओम ओम राम 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 रिम रिम राम राम रोम रोम रेम 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 रोम 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 राम 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 असिया उषा असिया उषा नमः नमः मम पूजकस्य मम पूजकस्य वृद्धिं 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 गुरु गुरु स्वाहा गुरु गुरु स्वाहा ओम नमो रते ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते दह 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 मम मम श्रीरस्तु श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु शांतिरस्तु पादपीठाय 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 ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु विष्णु रुद्र रुद्र नारद नारद खेचर खेचर पूजिताय पूजिताय सर्वभव्य सर्वभव्य जनानंद कराय जनानंद कराय सर्वभव्य सर्वभव्य जनानंद कराय जनानंद कराय सर्वजीव सर्वजीव विघ्न निवारण समर्थाय समर्थाय श्री पार्श्वनाथ श्री पार्श्वनाथ देवादि देवाय देवादि देवाय नमोस्तुते नमोस्तुते।
पूजन प्रसादा मम सेवकस्य सर्वदोष रोगशोक भयपीडा विनाशनं कुरु गुरु सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा हाथों में आप पद्मासन मुद्रा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप ऐसे बैठेंगे तो भी चलेगा, और हाथे अंदर मुट्ठी बंद, ऐसे मुट्ठी को बंद कीजिए, बंद कर लीजिए भैया, मुट्ठी बंद कर लीजिए, अंगूठा अंदर, दोनों मुट्ठियां, ये संकल्प मुद्रा है। आप जो भी संकल्प करेंगे, आपके संकल्प के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आपका संकल्प परिपूर्ण हो। पुण्यशालियों, आपके संकल्प को परिपूर्ण कराने के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। आप इस संकल्प मुद्रा को बराबर ध्यान से दीजिए, और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने आपको आगे कर दिया, पीछे पूरी जगह वापस भर गई है, अब तो ऊपर ही बुलाना पड़ेगा आपको, और तो कोई जगह नहीं है। चलिए, मन में आपके जो भी भाव हो, आपके मन में जिस प्रकार की भी श्रद्धा हो, कार्य करने की इच्छा हो, तो यहाँ पर महामांगलिक में आप संकल्प करें, आने वाले भविष्य के लिए संकल्प करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने समाज के लिए करें, अपने देश के लिए करें, अपने मन में जैसे भी हमारे जो रुके हुए कार्य हैं, उस कार्य को जल्दी से जल्दी परिपूर्ण हो, उस प्रकार से मन में संकल्प करें। ऐसा कहते हैं कि इस महामांगलिक में जो व्यक्ति 5 से 7 बार आकर के संकल्प मुद्रा करता है, मन में उसी संकल्प को दोहराता है, गुरुदेव के आशीर्वाद से और सामूहिक प्रार्थना से उसके कार्य में बहुत शीघ्रता होती है, जल्दी से कार्य परिपूर्ण होते हैं। तो चलिए, संकल्प मुद्रा के साथ में जब तक आपको कहे नहीं, तब तक आपको आपकी मुट्ठी को खोलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको आपकी मुट्ठी को खोलना नहीं है। जब यहां से इशारा किया जाएगा, उसके बाद ही अपनी मुट्ठी को खोले। संकल्प मुद्रा, ओम नमः श्री शांति देवाय सर्वार्थ शांति करायम राम रीम रेम रोम र अस्याउफा मम सर्वविघ्न शांतिम गुरु गुरु सकल संगस्य मम तुष्टिम पुष्टिम मम सर्व मनोरथम पूरय पूरय स्वाहा। श्री पार्श्वनाथ पूजन प्रपदान मम अश्वान भवन जिन्दी जिन्दी मम अशुभ कर्मान उपद्वान जिन्दी जिन्दी मम दुष्ट जनकृत मंत्र तंत्र दुष्टि पुष्टि छल जल दिशान जिन्दी जिन्दी मम अग्नि चौर जल सर्व व्याधि छिन्दी छिन्दी मारी कृत उपद्रवान छिन्दी छिन्दी डाकिनी शाकिनी भूत भैरवादि कृत दर्शान छिन्दी छिन्दी सर्व भैरव देव दानव वीर नरसिंह योगिनी कृत विज्ञान छिन्दी छिन्दी वोनवासिनी देव ज्योतिषि देवदेवशी कृतदर्शान छिन्दी छिन्दी अग्नि कुमार कृत विज्ञान छिन्दी छिन्दी उदिति कुमार सनत कुमार कृत विज्ञान छिन्दी छिन्दी दीप कुमार भयान छिन्दी छिन्दी बिंदी बिंदी वाद कुमार मेघ कुमार कृत विज्ञान छिन्दी छिन्दी बिंदी बिंदी इंद्रादि दृष्टिपाल कृत विज्ञान छिन्दी छिन्दी जय विजय अपराजित मानिभद्र पूर्णभद्र क्षेत्रपाल कृत विज्ञान छिन्दी छिन्दी राक्षस वेताल नव क्षति कृतदर्शान छिन्दी छिन्दी नव गृह कृत ग्रम नगर पीड़ा छिन्दी छिन्दी सर्वाष्ट कुल नाग जनित वृष भयान छिन्दी छिन्दी सर्व ग्राम देश रोगान छिन्दी छिन्दी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक दृष्टि विष जाति सर्वाधिक दृष्टान छिन्दी छिन्दी सर्व सिंह अष्टापद व्याघ्र व्याल वन चर जीव भयान छिन्दी छिन्दी पर शत्रुकृत मारण उच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण दोषान छिन्दी छिन्दी सर्व गोक्षपाति त्रेक मारी छिन्दी छिन्दी सर्व क्षपल पुष्यता मारी छिन्दी ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते चक्रेश्वरी चक्रेश्वरी ज्वाला मालिनी पद्मावती देवी पद्मावती देवी अस्मिन् जिनेन्द्र भुवने अस्मिन् जिनेन्द्र भुवने आगच्छ 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 एहि 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 तिष्ठ 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 बलिं गृहाण गृहाण 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 मम मम धन धान्य धन धान्य समृद्धि समृद्धि गुरु 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 सर्व भव्य सर्व भव्य जीवानंदम गुरु गुरु जीवानंदम गुरु गुरु
देश सर्व देश ग्राम पूरा ग्राम पूरा मध्ये मध्ये शुद्रोपद्रव शुद्रोपद्रव सर्व दोष सर्व दोष मृत्यु पीड़ा विनाशनम मृत्यु पीड़ा विनाशनम गुरु 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 सर्व पर चक्र भय सर्व पर चक्र भय निवारणम गुरु गुरु निवारणम गुरु गुरु सर्व देश सर्व देश ग्राम पूरा ग्राम पूरा मध्ये मध्ये सुभिक्षम गुरु गुरु सुभिक्षम गुरु गुरु सर्व विघ्न शांतिम गुरु गुरु सर्व विघ्न शांतिम गुरु गुरु ओम आम क्रोम ओम आम क्रोम ह्रीं फ्रीं ह्रीं श्रीं वृषभादी वृषभादी वर्धमानंता वर्धमानंता चतुर्विंशति चतुर्विंशति तीर्थंकर महादेव तीर्थंकर महादेव प्रियंताम 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 प्रसीदन्तु 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 मम मम पापानि पापानि शाम्यन्तु शाम्यन्तु मम मम पापानि पापानि शाम्यन्तु शाम्यन्तु घोरोपसर्गः घोरोपसर्गः सर्वविघ्नाः शाम्यन्तु सर्वविघ्नाः शाम्यन्तु ॐ आं क्रों ॐ आं क्रों ह्रीं फ्रीं ह्रीं श्रीं रोहिण्यादि रोहिण्यादि सर्वदेव देवी सर्वदेव देवी अत्र आगच्छन्तु आगच्छन्तु अत्र आगच्छन्तु आगच्छन्तु सर्वदेवता सर्वदेवता प्रियंताम 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 ओम आम ब्रोम रिम फ्रीवर्धमान 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 देव देवी वर्धमान विद्याधीशाय जया विद्या जयंत अपराजिता देव्य पुरी मंत्र अधिष्ठायिका देवा भगवती सरस्वती देवी त्रिभुवन स्वामिनी श्री देवी लक्ष्मी देवी यक्षराज गणपीठिका चतुष्षष्ठी फणीन्द्रां षोडश विद्या देवी चतुर्विंशति यक्षा चतुर्विंशति यक्षिणां प्रियंतां प्रियंतां मम अज्ञान निवारण फरफत रोगपारिणी विषाभारिणी बंद मोक्षिणी लक्ष्मी मदिनी परमंत्र विद्याचंद्रिनी दोषनाशिनी शोकशमनी विद्याफलिं कुर्वन्तु मम बाहुबलीं विद्या सौभाग्य विद्या जय विजयादि विद्यां स्वप्न विद्या सिद्धिं कुर्वन्तु गुरु गुरु विजया जया जयंती नंदा भद्रा देव्या फणितं कुर्वन्तु कुर्वन्तु जीन शासन प्रतिनिका निवारण कुर्वन्तु कुर्वन्तु मम सर्व कार्य सिद्धं मम सर्व संकल्प पूरयन्तु कुर्वन्तु कुर्वन्तु स्वाहा ओम आम क्रोम ओम आम क्रोम ह्रीं फ्रीं ह्रीं श्रीं ज्वाला मालिनी पद्मावती पद्मावती महादेवी महादेवी प्रियंताम 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 ओम आम क्रोम ओम आम क्रोम ह्रीं फ्रीं ह्रीं श्रीं मणिभद्रा मणिभद्रा पूर्णभद्रा पूर्णभद्रा नाकोड़ा भैरव नाकोड़ा भैरव घंटाकर्ण महावीर घंटाकर्ण महावीर भूमियाजी महाराज भूमियाजी महाराज सर्वजिन शासन सर्वजिन शासन रक्षक देवा प्रियंताम 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 श्री आदित्य सोम सोम मंगला मंगला बुध बुध बृहस्पति बृहस्पति शुक्र शुक्र शनि शनि राहु राहु केतवा केतवा सर्वे सर्वे नवगृहा नवगृहा प्रियंताम 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 प्रसीदन्तु 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 देशस्य देशस्य राष्ट्रस्य राष्ट्रस्य पुरस्य पुरस्य राज्ञः राज्ञः करोतु शान्तिं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र भगवान् जिनेन्द्र यक्षुकान्त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसना वर्जिता अभयं क्षेमम् आरोग्य स्वस्तिरस्तु च मे सदा यदर्थं क्रियते कर्म सप्रीति नित्यमुत्तमं सांघिकं पौष्टिकं चैव सर्वकारेषु सिद्धितं सर्वकारेषु सिद्धितं सर्वकारेषु सिद्धितं ॐ ह्रीं फ्रीं क्लीं ब्लों ब्लूं ऐमरं ओम नमो भगवते राम ह्रीं रूं ह्रीं रूं रं ओम ह्रीं मरे फुवरे अस्याउ फा सर्वदा देवते जय विजय जिन्दे पराजिते संकटचूरकं वाञ्छितपुरकं विघ्नविनाशकं अशुभतत्त्वोपद्रवं निवारकं श्रीविमलेफलं चके फिरादि विश्वव्यापी सर्वजन शासनं रक्षकं अधिष्ठायक देवदेवी फैतां प्रार्थपरायणां गुणानुरागिणां सरलाशयां भवदवतापस्तताम् अन्य देवी देवा पीरपैगम्बरां वीरननारं सिंहयोग मायादिकृतसान्निध्यां परमाराध्य पूज्यपादां पञ्चपरमेश्वर भगवन्तं श्री नमस्कार महामंत्रम श्री सिद्धकर भगवंतम श्री चतुर्विशति तीर्थंकरम देवादिदेवम श्री विश्व वीरमान भगवंतम श्री अष्टोत्तर सहस्र पाश विजयेन्द्र
त्रिपुरी स्वामी गौतम स्वामी गणेश भगवंतम परम शुद्ध सिद्ध तत्व स्वरूप परमात्मा मई सदा प्रसन्ना प्रियंताम प्रियंताम प्रसिदंतु प्रसिदंतु प्रसादम सुद्याम कुर्वन्तु अनुग्रह परावन्तु मम परम आत्मीय धर्म प्रिय जनस्य चतुर्विध संगस्य विश्व जंतु गणस्य पापानि शमयन्तु घोरोप सर्गाम सर्व विघ्नाः विनाशयन्तु तेषां सर्वेषां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा उपद्रवादी सर्वे दुख दारिद्र दुर्भाग्य दोषान् दनाशय नाशय सर्व शांतिम समाधिम समुद्रिम समुद्रिम सद्बुद्धिम सत्कार्य विद्धिम संपादयन सर्वांगम सुरक्षा कवचम गुरु गुरु सर्व समितम पुराय पुराय ओम ह्रीम श्रीं क्लीं अरम पंच परमेश्वर परमात्मा नमः स्वाहा जय सुवर्णम साफम परम संभोये सुनो भवन्तु जीवा सुनो भवन्तु जीवा सुनो भवन्तु जीवा मुद्रा चक्रमुद्रा चक्रमुद्रा पुण्यशालियों शांति की उद्घोषणा करने वाला ऐसा शांति घोषणा मंत्र जिसे हमें चक्र मुद्रा के माध्यम से श्रवण करना है, अपने हाथों को पूरा खोल लीजिए, एक हाथ ऐसा एक हाथ उसके ऊपर, ऐसे पूरा खोलते हुए इस चक्र मुद्रा के माध्यम से शांति घोषणा नामक जो काल चक्र के स्वरूप समस्त संसार के ब्रह्मांड के पुद्गलों को एक जैसा समान चक्र से जो जहां पर स्थापित है उसको वहीं पर स्थापित करने का शांति घोषणा यंत्र, चलिए श्रवण करते हैं चक्र मुद्रा के माध्यम से। इस चक्र मुद्रा के माध्यम से आपके जितने भी दुष्चक्र हैं उसमें राहत मिलेगी, शांति मिलेगी। अगर बहू आपकी नहीं सुन रही है 100% यकीन करो मेरी बात पर, सुनेगी, प्रेम से बोलेंगे तो जरूर सुनेगी, रिक्वेस्ट करेंगे तो जरूर सुनेगी। लड़का अगर आपके सामने आंखें दिखाता है तो जरूर इस मुद्रा में वो ताकत है। दुर्गेश भाई आप नासिक से पधारे हैं, एक्सीडेंट के बावजूद भी पधारे हैं, आपकी चक्र मुद्रा से जितने भी संकट हैं दुर्गेश भाई ये सब क्लीन हो जाएंगे। चल नहीं पा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ है, फिर भी वॉकर लेकर के केवल मंगली सुनने के लिए नासिक से यहाँ आए हैं। ऐसे ऐसे गुरु भक्त भी आज यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ ऐसे गुरु भक्त भी मौजूद हैं जो सकल स्थानक परंपरा के बहुत बड़े अग्रणी हैं और चंपालाल जी के परम अनुयायी हैं। ऐसे हमारे अजीत जी पारक रामगंज मंडी से ठेठ आए हैं, ऐसे अनेक दूर दूर से गुरु भक्तों का जमावड़ा है। संतोष जी मेहता, गौतम जी, वीरेंद्र जी बड़े हजार हजार किलोमीटर दूर से आज यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग दिल्ली से आए हैं, कुछ लोग दिल्ली से आए हैं, कुछ लोग हमारे दिगंबर समाज के अग्रणी यहाँ पधारे हैं। इस महामांगलिक क्या क्या जलवा है, क्या माहौल है पुण्यशालियों, आइए चक्र मुद्रा, सावधान चक्र मुद्रा। थोड़ा बहनों से निवेदन है थोड़ा सा आगे पधार जाइएगा, उधर काफी जगह नहीं है, थोड़ा सा आगे खिसकिएगा। मेरा पुनः निवेदन है, हमारे भाइयों को थोड़ा निवेदन है, थोड़ा और आगे आ जाओ भैया, अब बिल्कुल जगह नहीं बची, थोड़ा और आगे आ जाओ बस प्लीज। चलिए सावधान, चलिए चक्र मुद्रा के माध्यम से शांति घोषणा स्तोत्र, चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। रोग शोक आदि निर्दोषे रजिताय अजितारे नमः श्री शांताये तस्मे द्वितानंद शांताये श्री शांति जिन भक्ताय भव्याय सुख संपदम श्री शांति देवता देया दशांति मपनीयताम अंबानी तडिंबामे चक्रेश्वरी देवी नंदता दवता चमाम खड़ग खेटक कोदंडम बाण पाणी स्वरी द्युतिम तुरंग गमना चुप्ता कल्याणानी करोतु मे मथुरायां सुपार्श्व श्री श्री सुपार्श्वस्तु परक्षिका श्री कुबेरा नरारूढ़ां सुतां गावतु वोभयात् ब्रह्म शांतिं समांपायात् अपायात् वीर सेवकं श्रीमन् सत्यपुरे सत्यां येन कीर्ति कृतानिजां श्री शक्र प्रमुखा यक्षां जिन शासन संस्थितां देवते व्यस्तदन्येपि संगम रक्षन्तु उपायतम श्रीमद् विमान मारूढ़ां यक्ष मातंग संगतां सामाम सिद्धायिका पातु चक्रचापे सुधारिणीं ओम शम 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 रोग शोकादिवारकाय शांति तुष्टि प्रशांतिदायकाय शांति जनाय नमः। मुद्रा यही कुबेर अनेक लब्धियों से युक्त
श्री लब्धिपद स्तोत्र वर्तमान में सबसे प्रभावशाली यदि यंत्र कुछ है तो सिद्ध चक्र यंत्र को माना जाता है, जिसकी अपार शक्तियां अपार लब्धियां व्यक्ति के जीवन में बड़ा चमत्कार को सर्जित करती है। ऐसा लब्धियों से युक्त लब्धिपद स्तोत्र जिसको हमें कबेर कुबेर मुद्रा के माध्यम से सुनना है। कुबेर यानी कि कौन? जो धन के देवता कहलाते हैं। और आज में हमारी सबसे ज्यादा आवश्यकता यदि हम किसी के पीछे भागते हैं तो वो क्या है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा बस जिस रुपये के पीछे भाग रहे उसको स्थिर करने वाला यदि कोई स्तोत्र है। लक्ष्मी बड़ी चंचल है, आती और जाती है, यदि उसको स्थिर करना है तो कुबेर मुद्रा के माध्यम से आपको कुछ नहीं करना है, आपकी स्टार्टिंग की तीन उंगली को ऐसे करना है, दो उंगली एक अंगूठा से ऐसे करना है, इन बाकी की दो उंगलियों को ऐसे दबा लेना है, ऐसे आपको करना है, ऐसे करके बस यहाँ पर अपने घुटनों के वहां पर अपनी दोनों हाथी का हथियारों को वहां पर रख देना है। कुबेर मुद्रा, दो उंगली एक अंगूठा ऐसे, दोनों उंगलियां बंद। चलिए श्रवण करते हैं लब्धिपद स्तोत्र, जिसमें आपको एक लाइन दोहरानी है, महर्षय संतु सताम शिवाय। क्या बोलना है? महर्षय संतु सताम शिवाय। बस इस मुद्रा के माध्यम से इस स्तोत्र का श्रवण करें। जीना सता सावरय चतुर्धा सत्केवल ज्ञान लरासिदा च चक्रे को
गुरु गौतम स्वामी का परम प्रभावशाली स्तोत्र। और अब आपने चंद्र प्रभु भगवान का नाम सुना है, वो चंद्र प्रभु भगवान किसके मालिक हैं? चंद्र ग्रह के स्वामी, हमारा चंद्र मतलब मस्तिष्क का राजा। कभी कभी आप द्विधा में पड़ जाते हो, ये काम करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, ऐसा करूं या ऐसा करूं, दुविधा में दो गए माया मिलन राम। व्यक्ति दुविधा में आधा तो जिंदगी दुविधा में मर जाती है, और वो दुविधा को खत्म करने के लिए ये चंद्र प्रभु भगवान का जाप है, प्रार्थना मंत्र है। और मुद्रा कौन सी है? हमारे चित्त को स्थिर करने के लिए। जिनको परीक्षा में प्रॉब्लम आ रही हो, सीए के अंदर फाइनल में एंट्री नहीं हो पा रही हो, लास्ट पेपर हो लेकिन कहीं चूक जाते हो, या अन्य कोई डिसीजन मेकर नहीं हो, पावरफुल डिसीजन नहीं ले सकते हो, आइए वज्र मुद्रा में। वज्र मुद्रा, अपने हाथों से अपने स्वयं के एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, स्वयं का एक हाथ, दूसरा हाथ एक दूसरा। देखिए दुनिया में दूसरे का हाथ पकड़ा था, बड़ी समस्या हो गई थी, आज स्वयं का हाथ स्वयं को पकड़ना है। ऐसा कहते हैं अप्प दीपो भव, स्वयं का दीपक स्वयं बन जाइए। हमारी समस्या कोई सुलझाने आने वाला नहीं है, हमें स्वयं को क्या करना है, हमारी समस्या को सुलझाना है। इसलिए मन को मजबूत करना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा, और मन को स्थिर करने वाला यदि कोई स्तोत्र है तो वो है चंद्र प्रभु स्वामी भगवान का वज्र मुद्रा। अपने दोनों हाथों से अच्छे कट्ठे से पकड़िए अपने को, और वज्र मुद्रा के माध्यम से चलिए श्रवण करते हैं, मन को स्थिर करते हैं, और मंगलिक में मन को थोड़ा और लगाते हैं। कुछ कुछ लोगों के पांव दुखने लगे हैं, किसी किसी की टांग ऊंची होने लगी है, कोई कुर्सी पे सोने भी लगा है। थोड़ा सा उठा दीजिएगा और उनको बोलिएगा कि हाथ पकड़े, और चलिए श्रवण करते हैं चंद्र प्रभु स्वामी का स्तोत्र। कुछ ऐसे लोग पधारे हैं जिनके नीचे बैठने की तकलीफ है, अगर आपको तकलीफ न हो, आप अगर नीचे बैठ सकते हो तो आप आगे आ जाइए और उन लोगों के लिए कुर्सियां कुछ खाली कर दीजिए। चलिए ओम चंद्र प्रभु प्रभादिशम, चंद्रशेखर चंद्रभूम, चंद्र लक्ष्मांग चंद्रांगम, चंद्र बीजम नमोस्तुते। ओम रीम फ्रीम अरम श्री चंद्र प्रभु, रीम फ्रीम कुरु कुरु इष्ट सिद्धि मा सिद्धि, तुष्टि पुष्टि करो भव, द्वादश सप्त जप्तो वांछितार्थं फलप्रदम, द्वादश सप्त जप्तो वांछितार्थं फलप्रदम, महित्वा त्रिसंध्यम जापो सर्वादि व्याधिनाशनम, सुरा सुरेन्द्र महित श्री पांडवनुपस्तुतम, श्री चंद्र प्रभु तीर्थेशम, श्रियम चंद्रोज्ज्वलां गुरुम, श्री चंद्र प्रभु विधेयम स्मृता सद्यम फलामताम, सर्वादि व्याधि विध्वंसकारिणे मे वरप्रदाम। आ ओम रीम श्रीम अरम चंद्र प्रभु, रीम श्रीम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ज्वालामालिनी क्षम क्षीम क्षुम क्षेम क्षम क्षम क्ष हा दुष्ट क्षमरुम ज्ञापयति हुम फट ते दे। मंगलम भगवान विनो मंगलम बोधम प्रभु मंगलम स्तुर्वदा जयेन्द्र मुसुमलम। ओम नमो दीनानाम, ओम नमो दीनानाम, शरणानाम शरणानाम, मंगलानाम मंगलानाम, लोकोत्तमानाम लोकोत्तमानाम, राम रे राम रे, रोम रे रोम रे, रोम रा रोम रा, असिया चक्रेणाम कुर्वन्तु मंगलम।
सर्वा विष्णुवर्ति विष्णुवाम नाभि दार्द उपाध्याय जिन नाम मित्रस्थ में पाली दखंड साम्राज्य जनेन्दु जय मम मरुदेवा विश्वाध्याय विख्याता जिन मात्रा दि जगत निंदा नंदा मंगला है भवन तुम्हें श्री पुण्य केन्द्र बुद्धि प्रमुख गण धारण श्रुत केवली नने भी मंगला निशन तुम्हें ब्राह्मी चंद्र बालाद्या महा सत्य मात्रा अखंड शील लाड्या यछंतु मम मंगलम चक्रेश्वरी फिद्दायिका मुख्य स्थापन देवता सम्यक दिशा विघ्नराम रचेन्दु जय प्रियम कपर्दि मातंग मुख्या यक्ष विख्यात विक्रमा जैनम विघ्नरा नित्यम देया सुमंगलानी में यो मंगलाष्टकमिदं पठदिते प्रातः नर सुकृत पावित चित्तवृत्ति सौभाग्य भाग अजितो दितो सर्व विघ्नो नित्यम समंगलम बलम लभते जगत्याम। पुण्यशाली हो एक अत्यंत प्रभावशाली एक अनुष्ठान आने जा रहा है और वो है उल्टा नौकार मंत्र। भैया उल्टा नौकार मंत्र सुना? प्रवीण भाई सीधा नौकार मंत्र हम रोज गिनते हैं लेकिन लेकिन उल्टा नौकार मंत्र एकदम उल्टा। क्या होगा उससे? हमारे जितने भी उल्टे कार्य हैं उसको फुलटाने के लिए ये उल्टा नौकार मंत्र तंत्र प्रयोग के अंदर इसका विधान आता है। तंत्र प्रयोग में, मंत्र में नहीं आता है, इसका विधान तंत्र प्रयोग में आता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है उसी प्रकार से जहर जहर को काटता है, उसी प्रकार से ये उल्टा नौकार मंत्र हमारे उल्टे कार्य को खत्म कर देता है। चलिए मुद्रा कौन सी करेंगे भैया? मुक्ता सुक्ति मुद्रा। दोनों हाथों को ऐसे कीजिए, उनको ऐसे करिए और अपने मस्तक पर लगाइए। अपने हाथ बिल्कुल चिपके हुए नहीं, ऐसे खुले हुए होना चाहिए। ऐसे शिव के आकार में अपने मस्तक पर लगाइए। कोर्ट कचेरी के जो भी लफड़े झपड़े हैं, आपके जो भी उल्टे सुलटे कार्य हैं, उसमें जहां पर प्रॉब्लम आ रही है उसको निवारण के लिए मुक्ता सुक्ति मुद्रा के माध्यम से आइए श्रवण करते हैं उल्टा नवकार मंत्र। अपने माथे पे हाथ लगा करके मस्तक झुकाइए। लंगममेव मंडपम सेवे सत्यम नमलगमम णो फडा बबाव सब रोका गुण जपम स्वयं णम उसावो फेलोमणम णम याजाजुमणम णम यारियामणम णम दाक्षमणम अनंत हमरिमणम लंगमम इव मंडपम सेवे सत्यम नमलगमम णो फडा बबाव सब रोका गुण जपम स्वयं णम उसावो फेलोमणम णम याजाजुमणम णम यारियामणम णम दाक्षमणम अनंत हमरिमणम लंगमम इव मंडपम सेवे सत्यम नमलगमम णो फडा बबाव सब रोका गुण जपम स्वयं णम उसावो फेलोमणम णम याजाजुमणम णम यारियामणम णम दाक्षमणम अनंत हमरिमणम लंगमम इव मंडपम सेवे सत्यम नमलगमम णो फडा बबाव सब रोका गुण जपम स्वयं णम उसावो फेलोमणम णम याजाजुमणम णम यारियामणम णम दाक्षमणम अनंत हमरिमणम लंगमम इव मंडपम सेवे सत्यम नमलगमम णो फडा बबाव सब रोका गुण जपम स्वयं णम उसावो फेलोमणम णम याजाजुमणम णम यारियामणम णम दाक्षमणम अनंत हमरिमणम लंगमम इव मंडपम सेवे सत्यम नमलगमम णो फडा बबाव सब रोका गुण जपम स्वयं णम उसावो फेलोमणम णम यारियामणम णम दाक्षमणम अनंत हमरिमणम लंगमम इव मंडपम सेवे सत्यम नमलगमम णो फडा बबाव सब रोका गुण जपम स्वयं णम उसावो फेलोमणम णम याजाजुमणम णम यारियामणम णम दाक्षमणम अनंत हमरिमणम लंगमम इव मंडपम सेवे सत्यम नमलगमम णो फडा बबाव सब रोग कागमन जब फाय नम उसावो फलमणम नम याजाजमणम नम यारियामणम नम दाचमणम अनंता हम हरियमणम। पुण्यशालियों एक बात का मुझे जवाब देंगे, हमारे कोई पूर्वज है? पूर्वज है हमारे कोई? गोत्र देवता है हमारे कोई? पितर है? मैं और आप यहां इस धरती पर आए हैं तो ऐसे तो नहीं आए हैं। माता होंगे, पिता होंगे, दादा होंगे, दादी होंगे, नाना होंगे, नानी होंगी। एक बहुत लंबी परंपरा है, इस परंपरा को पितृदोष कहते हैं, पितृ कहते हैं। कोई कोई पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं और पितृ अगर नाराज हो जावे ना तो बड़ा तकलीफ खड़ी कर देते हैं। सारे बने बनाए कार्यों में क्या कर देते हैं, वो विघ्न डाल देते हैं। कहीं हमारी चूक हो जाती है, कहीं हमारी भूल हो जाती है, कहीं हम उनको याद करना भूल जाते हैं। शास्त्रों में भी कुल देवता का विधान है, कल्पसूत्र में भी जब परमात्मा के सारे आयोजन होते हैं तब कुल देवता को स्मरण करने का विधान है। ये कुल देवता ये और कोई नहीं है, ये कुल देवता ये और कोई नहीं है। कुल देवता यानी क्या? यही पितृ है, अपने पितरज है, अपने पूर्वज है। चलिए आइए, आपके भी पूर्वज होंगे। हम उन पूर्वजों को विनंती कर रहे हैं, हम उन पूर्वजों को आग्रह कर रहे हैं, उन पूर्वजों को निवेदन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती हुई, त्रुटि हुई हो तो उस त्रुटि को आप माफ करें। आइए हम उस पितरों का एक महत्वपूर्ण स्तोत्र है उसका स्मरण कर रहे हैं। आपके जितने भी पितृ दोष है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, काशी मथुरा कहीं जाने की जरूरत नहीं,
सारे के सारे पितृ दोषों का निवारण महान चमत्कारी की स्तोत्र है, महान प्रभावशाली है। बेनो अलर्ट हो जाइए, सावधान बन जाइए, कहीं कोई नजर लग जाती है, कहीं टोक लग जाती है, लगे या न लगे मन के अंदर टोक बड़ी खतरनाक होती है। अगर ये टोक अगर होती है, मन में पीड़ा अगर होती है, तो इस पीड़ा को शांत करने के लिए ये स्तोत्र है। आइए, मुद्रा क्या है इसकी? मुद्गर मुद्रा, हाथ को ऐसे कीजिए, जिमने हाथ को उसके ऊपर ऐसे रख दीजिए, राइट, बस ठीक है। भारी भरकम, ये सबसे बड़ी मुद्रा है, बड़े जोरों के साथ में पितृदेव दोष का निवारण के लिए, कुल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा मुद्गर मुद्रा। इसी के साथ साथ में आपको स्तोत्र की एक लाइन आपको दोहरानी है, और लाइन कुछ ऐसी है, भैरवम कुल देवम। क्या बोलना आप सभी को? थोड़ा एक साथ में, भैरवम कुल देवम, भैरवम, अपने सभी को साथ में दोहराना। आइए, आंखों को बंद करके मुद्गर मुद्रा के साथ में ऐसे अंगूठा अंदर रखे या बाहर रखे कोई दिक्कत नहीं, खाली ये यहाँ पर अपने को, ये हथौड़ा है, इस हथौड़े के साथ में मुद्गर मुद्रा के साथ में भैरव स्तोत्र। यम 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 यक्षराजं दशदिशि दधितं भूमिकं पायमानं सं सं संहार मूर्ति शिर मुकुट जटा शेखरं चंद्रबिंबं दं 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 निर्गताय वृत्रदन खमुखा मूर्धरो मंकरालं पं 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 पापनाशं प्रणमतु सदा भैरवं कुलदेवं भैरवं कुलदेवं भैरवं कुलदेवं राम 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 रक्तवर्णे करकृत जटिला तीक्ष्णदं सागरालं गं 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 घोष घोषं गव गव घटिता भूर्गरा हरि हर हसितं एहि एहि प्रच
असुरा सिद्ध गंधर्व नागम रुम 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 रुद्र रूपम प्रणमतु सततम भैरवम कुलदेवम भैरवम कुलदेवम भैरवम कुलदेवम हम 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 हंस घोषम हर्षित कुह कुहा राव रुद्राट हासम यम 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 यक्ष सहितम शिर कनक महा बद्ध खड्गांग पासम राम 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 रंग रंगम प्रहसित वदनम पिंग भस्म श्मशानम सं 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 सिद्धनाथम प्रणमतु सततम भैरवम कुलदेवम भैरवम कुलदेवम भैरवम कुलदेवम ओम क्षाम क्षीम क्षुम क्षैम क्षुम क्षप कुलदेवाय नमम ओम यम सम दम पम रम गम कम तम लम धूम रुम नम वम खम चम मम शम मम भम अम खम क्षिम हुम मम सम यम जम रुम हम यम रम सम यक्ष राज भैरव कुल देवता ज्रेम स्वाहा पुण्यशालियों एक महान प्रभावशाली स्तोत्र है नाम है ज्वाला मालिनी स्तोत्र। ज्वाला मालिनी स्तोत्र ये पहली बार मैं ये उद्घोषित करने जा रहा हूँ। महामांगलिक में मैंने इस स्तोत्र को कभी सुनाया नहीं है, लेकिन इसकी साधना मैंने नागेश्वर तीर्थ के अंदर मैंने करी थी। एक विशिष्ट जाप किया था और जाप करने के बाद इस मंत्र को सिद्ध किया था और इस सिद्ध करने के बाद में ये स्तोत्र मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपको पता ही होगा इससे क्या होता है, लेकिन हमें मारना है। लेकिन किसे? हमारे खराब कर्मों को, हमारे दुष्ट विचारों को, जो मन में दुःस्वप्न वगैरह हैं, उन सभी को शस्त्र जिनको खराब सपने आते होंगे या खराब विचार आते होंगे, किसी ने कुछ बोल दिया और आपने एकदम मन में माराकुटी के विचार जो कर लेते हैं उनकी अच्छा है। चलिए आइए शस्त्र मुद्रा के माध्यम से हाथों को नीचे नहीं रखना है, ऐसे बरोबर। एक दो मिनट का मामला है बस। ओम नमो भगवते श्री चंद्र बाबा जिनेन्द्र जिनेन्द्राय शशांक शंख गोक्षीर हार धवल गात्राय घाति के रम निर्मोलोच्छदाय जाति जरा मरण विनाशनाय त्रैलोक्य शंकराय सर्वफित सत्वहितकराय पुरा फ्रेन्द्र फुरा फ्रेन्द्र मुकुट कोटि दृष्ट पादपीठाय संसार कांतार उन्मूलनाय अचिंत बल पराक्रमाय अप्रतिचक्राय त्रैलोकनाथाय देवाधिदेवाय धर्मचक्राधीश्वराय सर्वविद्या परमेश्वराय कुविद्यानिधनाय तत्पाद पंकजा समनिवेशने देवी शासन देवकृति पूर्ण संक्षोभिणी त्रैलोकी शिवपहारकारिणी स्थावर जंगम विषभ विषभ संहारकारिणी सर्वाचार कर्मा व्यवहारिणी पर विद्याछेदिनी पर मंत्र प्रणाशिनी अष्ट महानाग कुलोचाटिनी काल दुष्टमुत कुत्ताभिदिनी स्वर गुण विनाशिनी स्वर रोग प्रमोचिनी ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र चंद्रादि नक्षत्रपद मरण भय पीड़ा संवारिदिनी त्रिलोकमेति भविलोक तंगरी विश्वलोक शंकरी अत्र महाभैरव रूप धारिणी महाभीमे भीम रूप धारिणी महारौद्री रौद्र रूप धारिणी प्रसिद्ध सिद्ध विद्याधर यक्ष राक्षस गरुड़ गंधर्व किन्नर किम पुरुष दैत्य रोगम रुद्रेन्द्र पूजिते ज्वालामाला क्लालित दिगंतराले महामहिष वाहनम खेटक कृपाणम त्रिशूल हस्ते शक्ति चक्र पाशम श्राश विशिक प्रविराजमाने षोडार्ध भुजे एही एही हमलरव्युम ज्वालामालिनी ओम क्लीम ब्लूम फट द्राम द्रीम राम रीम रूम रेम राम रू र फ्रीम देवान आकर्षाय आकर्षय सर्व दुष्ट ग्रहण आकर्षाय आकर्षय नाग ग्रहण आकर्षाय आकर्षय यक्ष ग्रहण आकर्षाय आकर्षय राक्षस ग्रहण आकर्षाय आकर्षय गांधर्व ग्रहण आकर्षाय आकर्षय ब्रह्म ग्रहण आकर्षाय आकर्षय भूत ग्रहण आकर्षाय आकर्षय सर्व दुष्टान आकर्षाय आकर्षय चोर चिंता ग्रहण आकर्षाय आकर्षय कट कट कंपावय कंपावय शीर्ष चालय चालय बाहुम चालय चालय गात्रम चालय चालय पादम चालय चालय परमांगम चालय चालय लोलय लोलय धुनय धुनय कंपय कंपय शीघ्रम अवतारम गृहाणम प्रज्वलम प्रज्वलय अचलय अचलय आवेशय आवेशय हमलरव्युम ज्वालामालिनी ह्रीम क्लीम ब्लूम द्राम द्रीम ज्वल ज्वल र र र र र र र राम प्रज्वल प्रज्वल
धगा धगा धुमांध कार्य नाम ज्वला ज्वला ज्वलित शिखे देव ग्रहान दह धप गंधर्व ग्रहान दह धप यक्ष ग्रहान दह धप भूत ग्रहान दह धप ब्रह्म राक्षस ग्रहान दह धप व्यंत ग्रहान दह धप नाग ग्रहान दह धप सर्व दुष्ट ग्रहान दह धप शतकोटि देवतान दह धप स्वस्त कोटि पिशाच राजान दह धप घे फोटाए माराया माराया दयानाक्षी प्रलय प्रलय धग धगित मुखे ज्वाला मालिनी राम रीम रीम रूम 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 सर्व ग्रह हृदय दह दह पच्चा पच्चा छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी हा 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 है हे हुम हुम फट फट दे दे क्षमलव्यम क्षाम छिम छुम छेम छुम छम स्तंभय स्तंभय हा पूर्व बंधय बंधय दक्षिणम बंधय बंधय पश्चिमम बंधय बंधय उत्तरम बंधय बंधय भमलव्यम भ्राम भ्रीम भ्रूम भ्रेम भ्रोम भ्रम ताड़य ताड़य ममलव्यम म्राम म्रीम म्रूम म्रेम म्रूम भ्रम नेत्रेय स्फुटय स्फुटय दर्शय दर्शय पमलव्यम प्राम प्रीम प्रूम प्रेम प्रोम प्र प्रेषय प्रेषय धमलव्यम धमदर्व्यूम ध्राम ध्रीम ध्रुम ध्रेम ध्रोम ध्र जठर भेदय भेदय झमलर्व्यूम ध्राम ध्रीम ध्रुम ध्रोम ध्र मुष्टिबंदिना बंदय बंदय खमलर्व्यूम ख्राम ख्रीम ख्रुम ख्रेम ख्रोम ख्र ग्रीवाम भंजय भंजय छन्मर्व्यूम छ्राम श्रीम थ्रुम श्रेम थ्रोम थ्र अंतराणी भेदय भेदय खमलर्व्यूम ठ्राम ख्रीम ठ्रुम ठ्रेम ठ्रोम महाविद्या पाषाणास्त्रे हन हन वमलर्व्यूम व्राम व्रीम व्रूम व्रेम व्रोम व्र समुद्र जमरोय जुम्बयम ध्राम ध्रुम ध्रोम र सर्व डाकिनी मर्दय मर्दय सर्व योगिनी तर्जय तर्जय सर्व शत्रुन ग्रस ग्रस खम 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 खादय खादय सर्व दैत्यान विध्वंसय विध्वंसय सर्व मृत्युन नाशय नाशय सर्व उपद्रवम महाभयम संभय संभय दह दह पच पच मथ मथ यम यम धम धम धरु धरु खरु खरु खड़ांग रावण सुविद्या घातय घातय पातय पातय सत चंद्र सत्रणम छेदय भेदय छरु 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 हरु हरु फट फट दे राम राम आम क्राम क्रोम क्ष्विम रीम क्लीम ग्लूम त्राम द्रीम क्रोम क्षिम 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 ज्वालामलिनी आज्ञापयति स्वाहा ज्वालामलिनी आज्ञापयति स्वाहा ज्वालामलिनी आज्ञापयति स्वाहा पुण्यशालियों अब आपको ध्यान करना है, आप थक चुके हैं, आप एकदम रिलैक्स होना चाहते हैं, चलिए हम ध्यान करवाते हैं आपको, बिल्कुल 65 या यंत्र हम श्रवण कराते हैं। एक और निवेदन है आपसे, आपने भैया उल्टा नौकार मंत्र सुना है? भैया आपने उल्टा नौकार अभी सुना था या नहीं सुना था? उल्टा नौकार मंत्र सुना था आपने? तो उसका एक कानून है, कानून ये है, कानून ये है कि उसको सीधा सुनना पड़ता है भैया। चलिए हम उस प्रक्रिया में भी बराबर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले ध्यान करते हैं। कुल 5 मिनट का ध्यान है, आंखें बंद और कौन सी मुद्रा? परमात्मा की मुद्रा। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ जी, ये जिस प्रकार से मंदिर में परमात्मा विराजित होते हैं, ठीक उसी तरह से हमें यहाँ पर परमात्मा की मुद्रा में, जिन मुद्रा में हम सभी को यहाँ पर बैठना है। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, हमने इतनी देर तक महामांगलिक श्रवण की है, लगभग 2 घंटे हो चुके हमको यहाँ पर मांगलिक श्रवण करते, अब थोड़ा सा टाइम बाकी है। देखिए 2 घंटे यदि आपने यहाँ पर अपना टाइम दिया है थोड़े से के लिए, जल्दी निकलने की कोशिश मत करना। ये बड़ा मंत्रों से बंद चुका है पूरा का पूरा वातावरण, यदि इस मंत्रों को तोड़ करके यहां से निकलेंगे, आप जानते हैं मंत्रों की आसाधना शायद हमारे लिए कभी कभी कुछ और भी हो सकती है। श्रद्धा पूर्वक आइए श्रवण करते ध्यान मुद्रा से 65 यंत्र। सभी व्यक्ति आंखें बंद करके एकदम परमात्मा की मुद्रा में, अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुव्रत।
से धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरे नाथ नमो वर्धमान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण श्री हरे नाथ नमो वर्धमान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण सहु आशा फले श्री जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सहु आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण धर्म सिंह संभव स्वाहा सुविधि धर्म शांति
ईश्वर संभव स्वामी सुविधि धर्म शांति अभिराम। पुण्यशालियों, ये ध्यान की प्रक्रिया थी जिसमें 24 तीर्थंकर परमात्माओं के नाम स्मरण के साथ में 63 यंत्र के माध्यम से हमने परमात्मा का स्मरण किया। आपके हाथ, आपके पैर, आपकी आंखें एकदम रिलैक्स हो ही, कमर जरूर अकड़ रही है, लेकिन अब ये 10 मिनट का मामला है। जयपुर से राजस्थान के सुप्रसिद्ध टीवी कलाकार श्री देवेंद्र जी पंवार लाला मस्ताना, जिन्होंने अद्भुत धूम मचाई थी, हमारे आशीष जी सिंगर जिन्होंने अद्भुत धूम मचाई थी, ये कौन वो पुण्यशाली व्यक्ति होगा जो प्रथम गुरु पूजन का बोल चढ़ावा लेगा। केवल एक बोली है और कोई बोली नहीं, और कोई चढ़ावा नहीं, और कोई टिप नहीं, प्रथम वासक्षेप और प्रथम गुरु पूजन और हमारे भैया की 2 मिनट भक्ति। तब तक प्लीज बीच में उठना नहीं है। हाँ, मैं उठाऊंगा आपको। काय के लिए उठाऊंगा आपको? नवकार मंत्र में एक अंतिम मुद्रा है, बस अंतिम चरण मुद्रा, और वो है नृत्य मुद्रा। सभी खड़े रहेंगे, जितने भी साधु साध्वी जी भगवंतों को छोड़ करके बाकी सभी खड़े होंगे, और फिर नौकार मंत्र का हम स्मरण करेंगे, झूमते हुए स्मरण करेंगे। हम भी गाएंगे, आप भी गाएंगे, लेकिन उसके पहले लाला पंवार। एक मिनट पुण्यशालियों, जब से ये महामंगलकारी महामांगलिक प्रारंभ हुई है, तब से गुरुदेव ने अपने पास में रहे हुए वासक्षेप के अंदर अपना हाथ डाल रखा है। संपूर्ण मंत्रों की एनर्जी से गुरुदेव ने उस अभिमंत्रित वासक्षेप को मंत्रित किया है। जितनी स्वयं की एनर्जी थी, जितने भी अंदर की वाइब्स थी, सबके सब इस वासक्षेप के अंदर गुरुदेव ने संवाहित किए हैं। वो कौन पुण्यशाली होगा जो सर्वप्रथम भैया सर्वप्रथम अपने मस्तक पर वो वासक्षेप ग्रहण करेगा? वासक्षेप तो सभी व्यक्ति को यहाँ पर आए हुए को ग्रहण करना है। जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सभी को वासक्षेप लिए बिना यहाँ से जाना नहीं है। गुरुदेव हर एक के मस्तक पर वासक्षेप डालेंगे भी सही, लेकिन एक प्रेरणा और है, खाली खाली वासक्षेप मत चढ़वाइएगा, थोड़ा कुछ गुरु के चरणों में द्रव्य अर्पित कीजिएगा। मफत का चंदन कभी भी लाभ नहीं देता है, इसलिए गुरु के चरणों में कुछ समर्पित करके वासक्षेप चढ़वाइएगा। लेकिन उससे पहले वो कौन पुण्यशाली होगा जो इतने सारे स्तोत्रों से मंत्रित वासक्षेप अपने शिखा पर, अपने मस्तक पर धारण करेगा? तो चलिए एक 5 मिनट की प्रक्रिया में हम उसके अंदर जुड़ते हैं। ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। कौन 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 भाव के साथ हनुमान बनना चाहते हैं? ये ताली। ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, ओ दिल में नाम भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा। और एक 21 एक बार, एक 21 आया और ये आया, 127 127,000 127, लेकिन 36 गुणधारी गुरुदेव आया। आहा, और ये आया 136 अपना करूं, 36 गुणधारी गुरुदेव आया 136 और करो एक ताली, हैंग बजावे ताली, बहुत देर हो गई है। एक बार आया, आया, देखिए देखिए क्या बात है, देखिए मुस्कुरा रहे हैं आशीष भाई। हाँ जी, पूरा मन है उनका, पूरा पूरा मन है उनकी। मुस्कुराने की वजह गुरु तुम, भजन गाने की वजह गुरु तुम, जिया जाए ना जाए ना जाए ना गुरु आप बिन, जिया जाए ना जाए ना जाए ना गुरु आप बिन। सिर्फ सिर्फ एक धक्का आपको लगाना है, उसका कारण क्या कि
चढ़ावा आपका मन सिर्फ अटक रहा है, ये लाला भैया ये जीबान जीबान में अटक रहा है, सुनिए सिर्फ एक बात, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। दृष्टि, हाँ दृष्टि गुरुदेव की पड़ जाए, एक दृष्टि गुरुदेव की पड़ जाए, इशारों को अगर समझो। आया आया एक बात, और ये गुरु की ही बात है आशीष भाई। हाँ जी, कि चढ़ावा बोलने से धन कभी भी कम नहीं होगा, चढ़ावा बोलने वाला कभी निर्धन नहीं होता, लगाता एक रुपया है और अनेक पाता है, चढ़ावा बोलने वाला सदा सम्मान पाता है। जोरदार तालियां हो जाए, एक धक्का और लगाना, क्या करना है लाला भैया, मात्र एक धक्के की आवश्यकता है, कि एक धक्का और लगाना, बोली को आगे बढ़ाना, एक धक्का और लगाना, बोली को आगे बढ़ाना, अरे एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोली बढ़ाना, एक धक्का एक धक्का एक धक्का और लगाना, और मन में है, मन की मन में रह जाएगी, तब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय के रहते बात है, समय हृदय में है, हृदय में है पर होठों पे आना है। और आया जी, समय हो चुका है, गुरुदेव ने कह दिया समय, और ये पूरे पूरा आया आया, एक 44 जोरदार तालियों से अनुमोदन। जय जयकार, जय जयकार, गुरु देव की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय शासक की जय जयकार। लेकिन लाला भैया जी, गुरुदेव 151 के नीचे की बात नहीं है, बस आया आया, 151 अपना, 151 151 जोरदार तालियों से अनुमोदन। जय जयकार, जय जयकार, मेरे गुरुवर की जय जयकार। लेकिन गुरुदेव एक बात कहना चाहूंगा, समय की मर्यादा कि गुरु, हाँ जी बिल्कुल कोई बात नहीं, गुरु आज्ञा तहत ही बिल्कुल, समय का अभाव है, 151 एक बार, 151 एक बार, आदेश सकल श्री संघ श्री चिंतामणि पार्षद जैन संघ गोरेगांव के तत्वाधान में ये भव्यति भव्य चतुर्मास, और उसके अंतर्गत गुरुदेव की प्रथम महामांगलिक, अब वो कौन होगा पुण्यशाली भाग्यशाली, 151 151 एक बार। हकीकत में चतुर्मास के पश्चात, चतुर्मास के पूर्व की ये पहली महामांगलिक, और तीन तीन घंटों तक पूज्य गुरुदेव जी का ये वरद हस्त जिस वासक्षेप के अंदर रहा हुआ, और पुष्य नक्षत्र गुरु अमृत सिद्धि योग, जो भी कार्य अगर आज संकल्प के साथ अगर हम करते हैं वो जरूर इन गुरु के आशीर्वाद से, क्योंकि इन गुरु के ऊपर भी जिन गुरु का हाथ है वो हमारे पूज्यपाद आचार्य भगवंत नवरत्न सागर श्री स्वदी महाराजा, तो साक्षात भगवान के प्रतिकृति और उन गुरु का आशीर्वाद अगर इन गुरु के ऊपर हो, और वो गुरु अगर हमारे सिर पर आशीर्वाद डाल दे, सोचिए बेड़ा। किसी कवि ने कहा है कि भावना में भावना हो, भावना में अगर भावना हो तो भावना बेकार है प्रवीण भाई, लेकिन भावना में भाव आ जाए तो बहुत से बेड़ा पार है, क्योंकि सुबह से गुरुदेव सूर्य मंत्र की साधना कर रहे हैं, सुबह से गुरुदेव सूर्य मंत्र की साधना कर रहे हैं, और अभी तक किसी को भी वास्तक्षेप गुरुदेव ने, अभी तक कम से कम उपासने में 50 लोग आ गए गुरुदेव, हम महामांगलिक में नहीं आ पाएंगे, हमें ऑफिस जाना है, गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं शाम को आना, अगले दिन आना, लेकिन जब तक पहले व्यक्ति को वास्तक्षेप नहीं डालूंगा तब तक मैं पुण्यशालियों, अवसर आया है ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद लेने का, आइए भावों के साथ। एक व्यक्ति कल आया था मेरे पास, उस व्यक्ति को मैंने पूछा, बड़ा बिल्डर होगा कोई बात नहीं, गुरुदेव के आशीर्वाद लेने के लिए आया, बड़ा मोबाइल था, मैंने पूछा भैया इतना बड़ा मोबाइल ये कहाँ का है, बोले गुरुदेव मैं आउट ऑफ इंडिया गया था लेकर के आया। मैंने और पूछ लिया कि भैया कितनी कीमत होगी, उसने बोला गुरुदेव क्या काम है आपको, मैंने बोला बताओ तो सही, बोले गुरुदेव ज्यादा नहीं 1.5-2 लाख का फोन है। अगर हम इन वस्तुएं आधुनिक वस्तुएं के अंदर अगर खर्चा कर सकते हैं तो पुण्यशाली हो, ये तो गुरु का आशीर्वाद है, अरे गुरु का आशीर्वाद मिल गया समझो पूरी दुनिया आपको मिल गई, तो बस 30 सेकंड के अंदर ये चढ़ावा यहाँ पे दिया जा रहा है। हाँ जी,
151 बार गुरु का पूर्ण रूप से आदेश मिल चुका है, आदेश होने में जा रहा है। 151 151 बार 151 151 2 बार 151 151 2 बार आदेश 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 और 151,151 3 बार बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिंदगी में हाँ श्रीमान सा नाम आप खड़े हो जाइए सबसे पहले और सब इनके लिए तालियों से अनुमोदना जरूर करें। कौन बनेगा पुण्यशाली? ये बने हैं पुण्यशाली। आप थोड़ा सा आगे पधार जाइए, नाम फरमा नाम के साथ आ जाइए। श्री मानसा हुकम चंद जी, गुलाब चंद जी, बिनातिया बिनाखिया, खूब खूब अनुमोदना। वारे वाह परिवार, सबसे पहले वासुक्षेप आपके मस्त कहां के हैं? ओम 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 गोरेगांव। हाँ जी गुरुदेव, अगर ये 144 नहीं होता तो 151 कैसे होता गुरुदेव? आपकी भी अनुमोदना, इनके लिए भी ताली। धर्म की दलाली में कभी पीछे नहीं रहना। जय गुरुदेव। और अगली आवाज गुरुदेव की। जी गुरुदेव, चौरासी उपवास, श्रेणी तप की महान तपस्या। वारे वाह, तालियां तपस्या जैसी बजनी चाहिए, एक बार इसलिए अनुमोदना होनी चाहिए। वारे वाह, वारे वाह। हमारे इस संघ में करीबन 25 सिद्धि तप होने जा रहे हैं जी। एक पुण्यशाली की ऐसी भावना बनी कि गुरुदेव मुझे अनुमोदना करनी है। बेन शांति, पांच मिनट भैया, पांच मिनट और निकलना तो शांति से निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अंतिम पांच मिनट ही है, पर कोई बात नहीं, आपको निकलना हो तो मैं कभी इनकार नहीं करता, जाने वालों को कभी नहीं रोकता हूँ। आप पधारिए, पर प्रेम से पधारिए, आवाज हाँ आवाज ना आवे पधारिए। चलिए, स्थिति तब की आराधना अच्छा कोई थी नहीं, हमारी आराधना तो शांति धारा तब थी। कुछ बहने आई, गुरुदेव हमको स्थिति तब करना है, करो भाई। ट्रस्ट मंडल से पूछा, ट्रस्ट मंडल का जितने तप करवाने करवाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला ऐसा ट्रस्ट मंडल है भैया, गोरेगांव चिंतामणि पार्श्वनाथ का ऐसा पहला ट्रस्ट मंडल है जिसने एक ही बात कही, गुरुदेव आपको क्या करवाना है, गुरुदेव आपको क्या करवाना है, गुरुदेव आपको क्या करवाना है। पैसे की कोई चिंता मत करना, पैसे की हमारी जिम्मेदारी है। आप तो केवल बाहू भाई बोलो तो खरा, आप काम कराओ, काम कराओ गुरुदेव, पैसे की कोई चिंता नहीं। और फिर तब भी चालू हुआ और एक व्यक्ति की भावना बनी, कुल 8 बियाफड़े होते हैं। पहले बियाफड़े में 10 ग्राम चांदी, दूसरे बियाफड़े में पाने में 20 ग्राम की प्रभावना, तीसरे ग्राम में 30 ग्राम की प्रभावना, चौथे पाने में 40 ग्राम की प्रभावना, पांचवे पाने में 50 ग्राम की प्रभावना, और छठे में 60, सातवें में 70 और आठवें में 80 ग्राम चांदी की प्रभावना। ये गणित आप करते रहो, कितने कुल होते हैं ये गणित आपका हम बताएंगे नहीं, ये सीक्रेट आप करते रहो। पर ऐसे ऐसे पुण्यशाली यहाँ पर है, सिद्धप की भी आराधना जोर शोर से चल रही है, अद्भुत माहौल है भैया। ऐसा माहौल देख करके बिनो एक बात पूछूं आप लोगों से, मेरी एक इच्छा हो रही है और वो हो रही है उद्धान तप करवाने की। उद्धान तप, उद्धान तप, उपधान तब करवाने की इच्छा हो रही है। पैसे की तो कोई चिंता है नहीं, इतना समर्थ ट्रस्ट मंडल है प्रवीण भाई, इतना समर्थ ट्रस्ट मंडल है, यहाँ का एक एक व्यक्ति संपूर्ण उपधान तब करा सकते हैं, सोने की चेन की प्रभावना कर सकते हैं, ऐसे पुण्यशाली है यहाँ पर, तो कोई मैटर नहीं है। उपधान तब कराने के मेरे भाव है भैया, आप हेल्प करेंगे मेरे को, आप हेल्प करेंगे ईमानदारी से, आप करेंगे, पैसे तो मैं खींच लूंगा, आप मच्छिंदारों को करो, पैसे की टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन है भैया, लोग तो जुड़ने चाहिए ना। चलिए आप तैयारी कीजिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारा ट्रस्ट मंडल एकजुट हमारे साथ है। आज पहला ऐसा ट्रस्ट मंडल है
जिसने बोला गुरुदेव 1000 मानों को भी बुलाओ, व्यवस्था हम करेंगे। मेरी जिंदगी में मैं इतनी जगह घुमाऊं किसी भी ट्रस्ट ने ऐसी उदारता के साथ नहीं बुला। गुरुदेव जितने बुलाना उतना बुलाओ। मैं अनुमोदना करता हूं पर्यूषण पर्यूषण पर्व में भी हमारे 25-50-100 लोग हर साल चतुर् पर्यूषण करने के लिए आते हैं, तो जो रेगुलर आते हैं उनको भी इस मांगलिक के माध्यम से बोल रहा हूँ। पत्रिका पता नहीं कब छपेगी कब पहुंचेगी कोई मैटर नहीं है, इस मांगलिक के माध्यम से बोल रहा हूँ जिनको भी पर्यूषण पर्व की आराधना करना हो, यहाँ पर उनकी रुकने की एकासने की तपस्या की सारी व्यवस्था है, औषध आदि की भी सारी व्यवस्था है की जाएगी, कोई चिंता नहीं करें। चलिए आगामी महामांगलिक, आगामी महामांगलिक इंदर जी आया के, इंदर जी आया के, कोई बात नहीं। आगामी महामांगलिक जन्म वांचन के दिन 24 अगस्त के दिन इस प्रकार से रखी जाएगी। श्री संघ को साथ में लेकर के 12 से 2 का टाइम रखेंगे ताकि कोई में प्रॉब्लम नहीं होवे और अपनी मांगलिक भी जोरदार हो जावे। इसका टाइम 2 घंटे के लिए, उस दिन ज्यादा संगीत वंगीत नहीं करेंगे, 2 घंटे में केवल मंत्रोच्चार बोल करके अपनी विधि पूर्ण करेंगे। आइए अब एक मुद्रा बाकी रह गई, बोलो कौन सी। और एक और बात बताना चाहता हूं, मेरे गुरुदेव आचार्य श्री नवरत्न सागर श्रीश्वर जी महाराज के परम मित्र भक्ति योगाचार्य, भक्ति योगाचार्य आचार्य भगवान यशो विजय श्रीश्वर जी महाराजा, वो हमारे श्री संघ के आग्रह पर मेरे छोटे से निवेदन पर इसी स्थान पर पल्लई टावर में परसों रविवार के दिन एक अद्भुत प्रवचन गंगा है, बोलो कौन सा सब्जेक्ट है भैया। जैनम जैति शास्त्रम का शंखनाद करना है, हजारों लोगों का जन सैलाब यहाँ उमड़ना चाहिए। और आप जानते ही हो हमारा ट्रस्ट मंडल बड़ा उदार है, जो भी यहाँ आएगा उसका साधन भी वसूलित हो, चिंतामणि भी फिक्स है, खाने में खिलाने में ये ट्रस्ट मंडल कभी पीछे रहा नहीं, तो वो भी पधार रहे ये हमारे लिए गौरव और आनंद की बात है पुण्यशालियों। एक और सूचना, शांति, एक और अंतिम सूचना, 1500 जिनालयों का शुद्धिकरण एक साथ होने जा रहा है। श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ श्री नवरत्न परिवार के नेतृत्व में 1500 जिनालय के शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है। एक ही दिन 14 अगस्त के दिन एक ही दिन एक साथ में ये आयोजन होने जा रहा है पुण्यशालियों। और इसके अनेक लाभार्थी हैं, करीबन 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा है, इसके अनेक लाभार्थी हैं, लेकिन मुख्य लाभार्थी हैं हमारे मंडार निवासी श्री अफूबेन रुग्नाथमल जी दोषी हफ्ते दिनेश दोषी मंडार, इन्होंने मुख्य लाभ लिया है, बाकी छोटे छोटे संघों ने भी लाभ लिया है। मैं उनकी इस बार अनुमोदना करता हूं और अभी भी इस जिनालय शुद्धिकरण में आप सब जुड़े इसी आपको मंगल में प्रेरणा करता हूं। चलिए आप सब खड़े हो पाएंगे 2 मिनट के लिए, खड़े हो पाएंगे भैया, खड़े हो जाइए, हाथ जोड़िए भैया, चिराग भाई, अरे सुना भैया एक और माइक ले लो। चलिए देखिए सबको खड़े होना है पर शांति से खड़े होना है, हाथ जोड़ो। जो भी दूंगे गुरु की मस्ती में लग गए सारे चांद हस्ती में, जिंदगी में उसकी आंखों में हो गया। ध्यान से सुनिएगा, किस किस के जिंदगी में कि जिंदगी में उसकी अभाव हो गया, जिसको गुरुदेव से लगाव हो गया, जिसको जिंदगी का अभाव हो गया, जिसको गुरुदेव से लगाव हो गया। नदी वो मिली है सागर में जा जरूर, नदी वो मिली है सागर में जा जरूर, जिसकी जीत राह में अभाव हो गया। हर जन्म में गुरुवर तेरा, आपको बोलना है साथ चाहिए, क्या चाहिए, अगर आप और हम यहाँ नहीं होते, गुरुदेव का इतना सुंदर मांगलिक नहीं होता तो हम इतने दूर से नहीं आ पाए होते हैं। तो आइए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके
हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे गुरुवर तेरा हाथ चाहिए, सिलसिलाएं टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाएं टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतने सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ, दिल में गुरुवर तेरा।